हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। यहाँ हम बात करेंगे 8 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी गणेश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गणेश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब उन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यह राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा की स्थापना 1858 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रेलवे ने किस रेल का शुभारंभ किया? तो अभी रेलवे ने किसान रेल का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह भारत की पहली किसान रेल है जो महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में समीर शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी समीर शर्मा का निधन हुआ है, वह अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? तो अभी नई शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो अभी WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को चुना है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सुरेश रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष चुना गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। प्रदीप कुमार जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं, मई 2015 में UPSC में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC के बारे में बात करें तो UPSC देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक भारतीय सेवा परीक्षा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारियों का चयन करने के लिए 3 चरणों, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। UPSC स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? तो अभी 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योगों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसके इतिहास की ओर चले तो ब्रिटिश सरकार 7 अगस्त को बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पाद प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की? तो अभी APB यानी एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। APB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD एंड CEO अनुव्रत विश्वास हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एंड CEO
संजीव श्रीनिवासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। 1965 में इनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 1956 में इनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज़ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। OHE ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया? तो अभी अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, इसकी मुद्रा डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान कौन बने? तो अभी इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।